नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि यार इस आईपीएल के सीजन में आप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों देखो यार, हमारे फैंटेसी सपोर्ट चैनल पे तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, रेगुलरली प्रॉफिट कमा रहे हैं, बैक टू बैक विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल वाले मैच में भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, परसों वाले मैच में भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और ऐसे रेगुलरली हम प्रॉफिट कमाए रहे हैं। इवन दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वो विनिंग स्क्रीनशॉट है जो मैच खत्म होने के बाद हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स मेरे को भेजते हैं और बताते हैं कि भाई आज आपके वीडियोज की वजह से, आज आपकी टीम की वजह से हमने इतनी अच्छी विनिंग की, हमने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया। और भाई प्रॉफिट कमाएंगे क्यों नहीं यार, अगर आपको इतनी अच्छी एनालिसिस में आपको वो ला के दे देता हूं तो प्रॉफिट कमाना तो फिर ऐसा है ना कि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कल वाला मैच ही उठाते हैं। कल वाला जो मैच था वो था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ठीक है, उसका भी मैं वीडियो लेके आया था, वीडियो अभी भी अपने चैनल पे, उसमें आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी तगड़ी एनालिसिस हमने की थी। मैंने आपको दोस्तों कल वीडियो में ही बता दिया था कि सबसे पहली बात तो नीतीश राणा, ठीक है, उसका विकेट अगर कोई लेके जाएगा तो युजवेंद्र चहल ले जाएगा, यह बात मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा जेसन रॉय का भी बताया था कि इस बंदे की भी फ्लो पुलिंग के अच्छे खासे चांसेस है और ट्रेंट बोल्ट इसका स्टार्टिंग में विकेट निकाल सकता है, यह बात भी आपको वीडियो में बता दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको यह भी बोला था कि भाई युजवेंद्र चहल का जो पेट है वो एक आधा विकेट से नहीं भरेगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। युजवेंद्र चहल जो है कल वाले मैच में टोटल 4 विकेट लेके गए हैं। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी जिसका फायदा कल वाले मैच में उठाया और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, खैर दोस्तों देखो बात करते हैं आज वाले मैच की। तो यार आज वाला जो मैच है ये खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों। गुजरात टाइटंस अगर इस मैच में स्लिप अप करती है तो देखो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पॉइंट टेबल में ऑलरेडी टॉप पर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन मुंबई इंडियंस जो है स्लिप अप करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुंबई इंडियंस को ये वाला मैच जीतना ही है अगर इनको दोस्तों प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है, किसी और टीम के ऊपर डिपेंडेंट रहे बिना, तो फिर ऐसा है कि ये वाला मैच जीतना भी जरूरी है और जितने अच्छे मार्जिन से जीतेंगे उतनी अच्छी इनकी नेट रन रेट होने वाली है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दोस्तों बात करूं यार देखो जीतने की, तो देखो यार अगर आपको इस मैच में भी जीतना है तो देखो यार आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करना, बस हमेशा की तरह अपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नंबर एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। ठीक है, आगे इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, बहुत सारी प्रेडिक्शन आपको पता लगेंगी और साथ ही साथ दोस्तों इस मैच की एक डेमो टीम भी आपको आगे इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रेडिक्शन दूंगा ना, यही आपको इस मैच में जितवाने वाली है। तो जल्दबाजी मत करना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना और साथ ही साथ दोस्तों देखो बात करते हैं डेमो टीम की। तो यार डेमो टीम आपको इस वीडियो में मिल जाएगी लेकिन यार इस मैच की जो फाइनल टीम होगी ना वो यार आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल पाएगी क्योंकि फाइनल टीम तो अभी बनी नहीं है। आपको पता है अपनी जो फाइनल टीम होती है वो बनती है टॉस होने के बाद, जब अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आ जाती है या फिर फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो अपनी जो भी फाइनल टीम रहेगी दोस्तों वो हमेशा की तरह टॉस के बाद बनेगी और हमेशा की तरह दोस्तों वो टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है, आपको जरूर से ज्वाइन करना है और ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों फिलहाल में 2 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलरली एकदम फ्री में हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं, अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो आपका मोस्ट वेलकम है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। और दूसरी बात यार, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार यहां पर भी पीछे क्यों रहना, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, लगभग 6 लाख लोग होने वाले हैं। तो अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा, फटाफट से दबाओ और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है वो भी दबा के जरूर से ऑन कर लेना। खैर दोस्तों बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो यार ये वाला जो मैच है आज शाम को 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, मुंबई का होम ग्राउंड है इसलिए मुंबई के जीतने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा हैं और मुंबई को यार ये वाला मैच जीतना भी जरूरी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के चांसेस हैं लेकिन ऐसा है कि अब हर एक मैच जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं तो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों देखो वानखेड़े स्टेडियम के बारे में। तो सबसे पहली बात, इवनिंग गेम रह गया और दोस्तों देखो यार ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि वानखेड़े इवनिंग गेम यानी कि पहले चेस कर लो, टॉस जीत लो, पहले बॉलिंग कर लो, आपके जीतने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी। वानखेड़े है, इवनिंग का मैच है, सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी और ड्यू जो है परेशान करेगी बॉलर्स को। ठीक है, तो पहले पहले ही बॉलिंग कर लोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए टॉस जीतो पहले बॉलिंग कर लो। दोस्तों मैं आपको एक रिकॉर्ड भी बता देता हूं कि भाई 2021 के स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी नाइट गेम खेले गए हैं वानखेड़े स्टेडियम में उनमें से 70% ऑफ द मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग की है, ओनली 30% टाइम्स जो है उस टीम ने जीता है जिसने पहले बैटिंग की है। ठीक है, और पिछला मैच आपको याद है मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला गया था, मुंबई इंडियंस ने 16 ओवर्स के अंदर ही 200+ का टारगेट चेस कर दिया था, है ना। तो इस वाले मैच में भी सीन यही रहने वाला है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी, यही जो है यहाँ पर समझदारी वाला डिसीजन रहने वाला है। ठीक है, बाकी बात करते हैं
दोस्तों देखो मौसम और पिच के बारे में थोड़े से डिटेल में। मौसम तो दोस्तों देखो एकदम क्लियर रहने वाला है, मौसम की वजह से तो आज वाले मैच में भी बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे देखो पिच की, लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो यार मेरी एक बात और सुनो। आपको भी पता है यार कि मेरे को लगभग पिछले 4 साल हो गए आप लोगों के लिए एकदम फ्री में मैं वीडियोस लाता हूं, फ्री में आप लोगों को टीम्स प्रोवाइड करवाता हूं, गिव अवेज वगैरह अपन करते रहते हैं, ठीक है। और वो सब अपनी सर्विस जो है एकदम फ्री है, कभी भी आपसे पैसे वगैरह नहीं मांगे। बस इतनी सी बात है यार कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए, तो वो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में काम करते रहने के लिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, बस आप इस वीडियो को देख तो रही हो, देखते देखते वो जो नीचे लाइक का बटन आ रहा है उसे एक बार दबा देना, ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों अपन लाइक टारगेट रख के चलते हैं 8000 लाइक्स का, तो 8000 लाइक तो आई थिंक आप कंप्लीट कर ही दोगे। एक सेकंड लगेगा भाई, नीचे लाइक का बटन आ रहा है, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, एक बार दबा देना। खैर दोस्तों बात करते हैं देखो वानखेड़े स्टेडियम के इस पिच के बारे में। तो यार वानखेड़े स्टेडियम का टिपिकल पिच रहने वाला, आपको पता है सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, ये तो बात हो गई है यहां पर खत्म, ठीक है। पिछला वाला मैच MIRCB आपको बताएगी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 200 के समथिंग रन बना दिए थे, और मुंबई इंडियंस की टीम ने 16 ओवर्स के अंदर जो है ये वाला टारगेट पोस्ट कर दिया था, यानी कि हाई बैटिंग सरफेस अभी वानखेड़े में, और वानखेड़े का तो यार आपको पता है कि बाउंड्रीज भी ज्यादा बड़ी होती नहीं है। तो ये वाला मैच में मैं हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की भी बैटिंग इस टाइम पे काफी अच्छे से पीक कर रही है, और गुजरात टाइटंस की तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एवरेज स्कोर दोस्तों मैंने 185 जस्ट लिखा है, लेकिन ध्यान रखना इससे भी ज्यादा स्कोर अपने को इस मैच में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों वानखेड़े गुड बैटिंग सर्फेस प्रोवाइड करवा रहा है, और स्टार्टिंग में थोड़ी सी यहां पर स्विंग मिलती है बॉलर्स को, यह बात ध्यान रखना। तो स्विंग बॉलर्स जो है दोनों ही टीम में मौजूद हैं, वो विकेट निकाल सकते हैं, लाइक जेसन बेरेंडोर्फ वगैरह हो गए अपनी मुंबई की टीम में, और अपने गुजरात की टीम में मोहम्मद शमी वगैरह नई बॉल से काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब के ऊपर अपने को थोड़ा सा फोकस रखना है। बाकी दोस्तों ये तो है एक जनरल पिच रिपोर्ट, आपको सबको पता है फाइनल पिच रिपोर्ट तो अपने पास टॉस के टाइम पे ही आती है, ठीक है। और ध्यान रखना उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो अपनी जो फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगी वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो दोस्तों टॉस के बाद आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना है, 7 बजे टॉस हो जाएगा, 7:30 मैच स्टार्ट होगा, इस आधे घंटे में तो आपको टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना ही रहना है, बहुत सारी अपडेट आप लोगों के साथ वहां पर शेयर की जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको ज्वाइन अभी करके रख लेना है, ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये अपना इंपैक्ट प्लेयर रूल है जिसके बारे में आप सबको पता है। अब दोस्तों आपकी लाइफ में एक इंपैक्ट डालते हैं, 50,000 रुपीज का गिव अवे आप लोगों के लिए इस मैच में भी विजन 11 दे रहा है। जी हां दोस्तों 50,000 रुपए का गिव अवे, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो भाई फीलिंग फास्ट, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। विजन 11 की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलने वाले हैं, जिसका भी बहुत सारा फायदा आप विजन 11 पे उठा पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैं आपको विजन 11 की एक बात और बताता हूं, यहाँ पर हर मैच में आपको मिनिमम 50,000 रुपए का गिव अवे मिलेगा, इसकी तो चिंता ही छोड़ो, ठीक है, डेली मिलने वाले आपको ये। तो ऐसा है कि अगर आपको इन्वेस्ट नहीं भी करना तो भी आप विजन 11 से लाखों रुपए का प्रॉफिट इवेंचुअली निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो कई लोगों के दिमाग में आता है कि भाई यार एप्लीकेशन पे भरोसा कैसे करें, भाई विजन 11 चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ऑफिशियल पार्टनर है, ठीक है। तो आपको भरोसे की तो चिंता करनी नहीं है, 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। मैं खुद पिछले 2 साल से आपको बताया कि सिर्फ विजन 11 पे ही इन्वेस्ट करता हूँ, और भाई इन्वेस्ट सिर्फ विजन 11 पे क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर एंट्री फीस भी कम लगती है। आपको दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन की एंट्री फीस उठा लेना, फिर विजन 11 की एंट्री फीस उठा लेना, कंपेयर करके देख लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि भाई विजन 11 कितनी कम एंट्री फीस में कितनी अच्छी विनिंग आपकी करवा रहा है। और भी दोस्तों विजन 11 पे बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं, और ऐसा है कि यार के फीचर्स गिराना बैठूंगा ना तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखो कि यहां पर आपको सेकंड इनिंग की अलग से टीम बनाने का मौका मिलता है, जिसमें आप अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट विड्रॉल आपको मिलता है, डेली मिनिमम 50,000 रुपीज का गिव अवे है, 500 रुपए साइन अप बोनस है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लोवेस्ट एंट्री फीस है, रैंक लिस्ट प्रोटेक्शन है, बहुत सारे फीचर्स हैं यार, गिनाने में बैठ ही नहीं सकता, है ना। बस इतना है कि यार अगर आपको फैंटेसी में बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो विजन 11 डाउनलोड कर लेना, सेम टीम जो आप और किसी प्लेटफॉर्म पे लगाते हो सेम टीम लगा लेना, चैनल पे प्रॉफिट आपको खुद को मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी विजन 11 की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं देखो वेन्यू स्टेट्स के बारे में। तो यार वानखेड़े स्टेडियम में ये वाला मैच खेला जाएगा, और वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों आज तक टोटल 8 मैच खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के, जिनमें से 5 मैच दोस्तों उस टीम ने विन किए जिसने पहले बॉलिंग की है, ठीक है। और इनके बारे में एक्चुअली हम ज्यादा बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल की बात है। बात करते हैं दोस्तों देखो T20 डोमेस्टिक यानी कि IPL की। तो यार IPL में आज तक यहां पर टोटल 109 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 49 टाइम उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग की, और 60 टाइम
उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग किया, तो यार यहाँ पर भी उसी टीम का पलड़ा भारी है जिसने पहले बॉलिंग किया। ठीक है, एवरेज स्कोर दोस्तों वानखेड़े के मैदान में टोटल 167 रहता है, लेकिन ये तो है ओवरऑल। अभी हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया 185-190 से ऊपर का स्कोर अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कौन सी टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर मारा है, कौन सी टीम ने लोवेस्ट मारा है, वो तो आप खुद भी देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गिव अवे हो रहा है। आपको पता है हम अपने हर एक वीडियो में गिव अवे रहता है, क्वेश्चन गिव अवे है। कुछ भी नहीं करना, बस 5 विनर सेलेक्ट किए जाएंगे, सबको 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 विनर कौन होंगे, जिन्होंने अपने गिव अवे के रूल्स को फॉलो किया होगा और गिव अवे के सवालों का जवाब दिया होगा। ठीक है, गिव अवे के रूल्स क्या क्या है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, दूसरा आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, और तीसरा आपको इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। इन तीनों में से अगर आपने एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और गिव अवे के सवाल है दोस्तों, आपको बताना कि इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेगा, आपको बताना कि ये वाले मैच कौन सी टीम जीतेगी, और आपको बताना कि इस मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने गिरने वाले हैं। आसान सवाल है, 5 से भी ज्यादा सही जवाब आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो टॉप 5 विनर्स रहेंगे, जो सबसे पहले देंगे और उन्होंने गिव अवे के रूल्स फॉलो कर रखे होंगे, उन्हीं को जो है अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, खैर बात करते हैं दोस्तों, देखो पॉइंट टेबल के बारे में। यार गुजरात टाइटंस की टीम ने अभी तक इस सीजन में टोटल 11 मैच खेले हैं, 8 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, पॉइंट टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हैं, और इनके पास है भाई टोटल 16 पॉइंट। ऐसे पॉइंट होते हैं जो सेफ पॉइंट माने जाते हैं। अब आगे के दोस्तों, अगर मान लो कि ये अपने 3 के 3 मैच और बचे हैं, इनके तीनों के तीनों मैच अगर ये हार भी जाते हैं तो भी ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के अच्छे खासे चांसेस होल्ड करते हैं। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के, तो 11 मैच इन्होंने खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, पॉइंट टेबल में फोर्थ पोजीशन पर बैठे हैं। इनकी दोस्तों एक चीज हो रहा है कि इनकी नेट रन रेट भी जो है माइनस में है। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको बता ही देता हूं, यहां पर आपको दिख पा रहा होगा इनकी नेट रन रेट माइनस में है, -0.2 है। ठीक है, तो इनको ये वाला मैच जीतना भी जरूरी है, प्लस अच्छे मार्जिन से जीतना जरूरी है ताकि नेट रन रेट में भी इजाफा हो, क्योंकि इनके ऊपर जो तीन बैठे हैं तीनों की नेट रन रेट पॉजिटिव है, और आपको तो बताया कि इस बार पॉइंट टेबल में दंगे होने वाले नेट रन रेट को लेकर। ठीक है, खैर बात करते हैं दोस्तों, देखो रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 3 मैच इन्होंने जीते हैं। जो 2 मैच हारे हैं दोस्तों, वो हारा है एक तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के अगेंस्ट, और एक हारा है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। जी हां दोस्तों, इस सीजन में ऑलरेडी एक बार गुजरात टाइटंस की टीम इनको हरा चुकी है। बाकी दोस्तों जो बचे हुए 3 मैच हैं वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरसीबी को इन्होंने हराया पिछले मैच में, जिनमें इन्होंने 200 का टारगेट चेस कर दिया ओनली 16 ओवर्स में। ठीक है, उससे नीचे वाले में आते हैं, पंजाब किंग्स को इन्होंने हराया जिनमें 214 का टारगेट चेस कर दिया ओनली 18.5 ओवर में। उससे नीचे आते हैं तो राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हराया, 212 का टारगेट चेस कर दिया ओनली 19.3 ओवर में। तो ध्यान रखना, तीनों ही मैच में इन्होंने 200 प्लस का टारगेट चेस किया है, और वो भी कंफर्टेबली, यानी कि इनकी जो बैटिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं कि तीनों ही मैच में 200 के समथिंग रन भी ठुके हैं, इसका मतलब है कि बॉलिंग उतनी अच्छे से क्लिक कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, खैर बात करता हूं दोस्तों गुजरात टाइटंस की, तो पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारा था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, वो भी ऐसा था कि लो स्कोरिंग मैच था, अपने हाथों हारे थे, बाकी ये वाला मैच भी जीताए पड़े थे ये। बाकी जो है गुजरात टाइटंस की तो क्या ही बात करूं, अच्छी फॉर्म चली रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात टाइटंस की, तो यार इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो इनकी एक्चुअली बॉलिंग है। ठीक है, अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की ये टीम देखोगे, सोलह ये वाला मैच देखोगे, तो गुजरात टाइटंस ने पहले 227 रन बना दिए, फिर लखनऊ को जो है 171 पे रोक भी दिया। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो राजस्थान को 118 पे ऑल आउट कर दिया। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो इस मैच में भी इन्होंने 179 पे इनको रोका, और फिर 180 जो है 17.5 ओवर में बना दिए। तो इनकी जो बॉलिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हेड टू हेड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज तक टोटल 2 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं। इस सीजन में जो खेला गया था वो गुजरात टाइटंस जीत गई, पिछले सीजन में जो खेला गया था वो मुंबई इंडियंस जीत गई। लेकिन फर्क पता है कहां पड़ गया, कि गुजरात टाइटंस इस सीजन में जो मैच खेला गया था वो 55 रन के मार्जिन से जीती थी, तो यहां पर मुंबई इंडियंस की जो नेट रन रेट थी वो बिगड़ गई थी। ठीक है, खैर बात करता हूं दोस्तों, देखो इन्हीं 2 मैच के बारे में, तो यार आईपीएल 2022 में जो मैच हुआ था उसमें देखो टॉप परफॉर्मर्स की बात करूं तो ईशान किशन ने 45 रनों की शानदार पारी खेली थी, और ईशान किशन अभी भी जो है अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपकी टीम के लिए डेफिनेटली अच्छे पिक रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों टिम डेविड ने 44 नॉट आउट की पारी खेली थी, और ये तो पावर हीटर है ही है, ये तो आपके लिए ग्रैंड लीग वगैरह के अच्छे पिक है, स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूंगा। राशिद खान ने दोस्तों 2 विकेट लिए थे, प्रदीप सांगवान जो कि अभी है नहीं। ठीक है, वृद्धिमान शाह ने दोस्तों 50 लगाई थी, 55 रनों की पारी खेली थी 40 बॉल्स में। शुभमन गिल ने भी दोस्तों 50 लगाई थी, 52 रनों की पारी खेली थी। मुरुगन अश्विन दोस्तों अभी जो है इस टीम में है नहीं, और क्योरन पोलार्ड तो है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ टॉप परफॉर्मेंस थे आईपीएल 2022 के। ठीक है, 2023 में दोस्तों जो मैच हुआ उसमें शुभमन गिल ने 50 लगाई। ध्यान रखना शुभमन गिल का नाम रिपीट हो चुका है, ये तो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है ही है। डेविड मिलर ने दोस्तों 46 रनों की पारी खेली, पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए, अर्जुन तेंदुलकर जो कि अभी खेल नहीं रहे इन्होंने भी 1 विकेट लिया था। ठीक है, नेहल वधेरा दोस्तों 40 रन बनाए, और नेहल वधेरा का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 मैच से 50 आ रही है,
आपकी टीम के लिए एक सेफ पिक रहने वाला है, अच्छे पिक रहने वाले हैं, ठीक है। कैमरन ग्रीन ने दोस्तों 33 रनों की पारी खेली, नूर अहमद ने 3 विकेट लिए और राशिद खान ने 2 विकेट लिए। राशिद खान का भी नाम रिपीट हो चुका है, राशिद खान भी आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो पूरी स्कोर के बारे में, तो यार मुंबई इंडियंस की पूरी स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने है और अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और एक्चुअली ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैं आपको मुंबई इंडियंस और आरसीबी का वीडियो लेके आया था तब बताया था, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा की फॉर्म और मुंबई इंडियंस के डेथ ओवर, ठीक है। मुंबई इंडियंस दोस्तों इस सीजन में सबसे खराब डेथ ओवर्स बॉलिंग कर रही है, इनकी इकोनॉमी रेट जो 16 से 20 वाला ओवर का फेस होता है ना उसमें 13.36 की है, जो कि सबसे ज्यादा रन ये ठुकवा रहे हैं और कोई भी टीम इतने रन नहीं ठुकवा रही है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो खराब चल रही है, आपको सबको पता है, पिछले अगर आप इनके 5 मैच मिला लो तो टोटल आई थिंक 12 या 13 रन इन्होंने बनाए हैं IPL में पिछले 5 मैच में, और उससे पहले दोस्तों अगर आप देखो तो टोटल 34 मैच में जो है 250 आई है पिछले 3 सीजन में, ओनली 250 आई है पिछले 3 सीजन से जो है IPL में रोहित शर्मा की फॉर्म जो है थोड़ी डाउन है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं टीम न्यूज की बात करूं तो यार टीम न्यूज मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से कुछ ऐसा है कि तिलक वर्मा आपको बताया कि पिछले 2 मैच से नहीं खेल रहे क्योंकि थोड़ी सी इंजरी का इशू था, लेकिन अब जो है कंफर्मेशन ऐसा है कि फिट है, अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, तो इस मैच में आपको खेलते हुए भी दिख सकते हैं, एक्चुअली खेलते हुए दिखे जाएंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम को जरूरत है इनके, ठीक है, एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि टॉस होने तक नई नई अपडेट आ सकती है, ठीक है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे को लगेगी यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है अपडेट वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ, यार टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मुंबई इंडियंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन के सामने, तिलक वर्मा को मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है रोहित शर्मा का, आई होप कि आपको सब दिख रहा हो, जी हाँ दिख रहा है। बाकी रोहित शर्मा की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैटर है, 407 मैच अपने करियर में खेले इस सीजन में आने से पहले T20 के, जिनमें दोस्तों इन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, 31 प्लस का बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले 5 मैच में टोटल ही जो है इन्होंने 12 रन बनाए हैं, काफी खराब फॉर्म से चल रहे हैं। पिछले मैच में दोस्तों 7 रन बनाए थे, आरसीबी के अगेंस्ट LBW आउट हुए थे, अगर आपको याद हो कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि बहुत आगे थे ये पिच में, ठीक है। और ध्यान रखना यार रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज जो है वो कभी भी पावर हिटिंग कर सकता है, अगर आपको दोस्तों रिस्क लेना है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा मिनी ग्रेनली की टीम में, ग्रेनली की टीम में रोहित शर्मा को ट्राई करूं, बाकी सेफ खेलना हो तो स्मॉली की टीम से आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं क्योंकि पावर हिटिंग ये बंदा करता आया है इस सीजन में, ठीक है। सूर्य कुमार यादव दोस्तों ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए अच्छे पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस हो जाते हैं क्योंकि यार इस बंदे की फॉर्म देखो आप, मतलब स्टार्टिंग में तो चलो 1-2 मैच इनके खराब गए थे लेकिन उसके बाद 43, 57, 55, 66, 83, ठीक है, ये काफी अच्छी अच्छी पारियां आ चुकी है एंड डेफिनेटली आपकी टीम के लिए पारी के अच्छे पिक रहे, ठीक है। कैमरन ग्रीन दोस्तों ये भी आपकी टीम के लिए एक्चुअली अच्छे पिक रहने वाले हैं, पिछले 2-3 मैच से अच्छे पॉइंट नहीं दिए, फिर भी ऐसा है कि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी पारी भी खेल सकते हैं, अच्छे विकेट भी निकाल सकते हैं और आपकी टीम के लिए अच्छे पिक रहने वाले हैं, ठीक है। तिलक वर्मा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भाई इंजरी के बाद वापस आएंगे तो इनके जो है परफॉर्मेंस करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि यार इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है इस सीजन में, 84 नॉट आउट की, 22, 30, 41, 37, 29 नॉट आउट, 26 नॉट आउट, ठीक है, ओनली 2 मैच में अभी तक ये फ्लॉप हुए हैं, बाकी पिछले 2 मैच से तो नहीं खेल रहे। अगर आप अपनी मिनी ग्रेनली ग्रेनली की टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में अच्छा बैटिंग सर्फेस रहने वाला है, अच्छी पारी खेल सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है। टीम डेविड दोस्तों पावर हीटर है और पावर हीटर्स के बारे में मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि भाई कब गेम का पासा पलट दे कोई नहीं बता सकता, ठीक है, और पावर हीटर्स आपके लिए हमेशा ग्रेनली के अच्छे पिक होते हैं, स्मॉल लीग की टीम में तो ट्राई नहीं भी करोगे तो चल जाएगा क्योंकि पिछले 2 मैच से जो अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं है ये भी देख के चलना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास क्रिस जॉर्डन का ऑप्शन आ जाता है, पिछले मैच में इनको खेलने का मौका मिला था जोफ्रा आर्चर की जगह है, और ऐसा है कि एक विकेट इन्होंने जरूर लिया था, एक आधे कैच भी इनकी बॉलिंग पे ड्रॉप हुए थे, लेकिन ऐसा है कि एक्सपेंसिव भी काफी ज्यादा थे, 10-11 की इकोनॉमी से इन्होंने अपने रन ठुकवाए थे, ठीक है। अब देख लेना अगर आपको अपनी टीम में रखना हो चाहो रख लेना, डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, विकेट निकाल सकता है एक आधा, ठीक है। कुमार कार्तिकिया दोस्तों इस सीजन में उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा नहीं। उसके बाद दोस्तों पीयूष चावला आ जाते हैं, जिन्होंने इस सीजन में अभी तक सिर्फ 2 मैच विकेटलेस फेंके हैं, जिनमें एक पिछला वाला मैच था और एक स्टार्टिंग वाला मैच था, बाकी उससे पहले हर एक मैच में जो इन्होंने विकेट निकाले हैं आपकी टीम के लिए एक सेफ पिक रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मधवाल की तो भाई जो है इस सीजन में इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, अपनी टीम में रखने का कोई चांस नहीं है। जेसन बेरेंडोर्फ दोस्तों स्टार्टिंग में इनको स्विंग मिल सकती है, लेफ्ट आर्म एंगल इनके पास मौजूद है एंड डेफिनेटली यार जेसन बेरेंडोर्फ को मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में प्रीफर कर सकता हूं। देन दोस्तों नेहाल वधेरा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं, डाल रहे हैं, पिछले 2 मैच में 250 आ चुकी है और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात
हैदराबाद के अगेंस्ट ऑलरेडी एक बार अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड में मैंने आपको बताया है, तो आपकी टीम के लिए एक सेफ पिक हो जाते हैं। बस नेगेटिव पॉइंट यह है नेहल वदेगरा को रखने का कि यार इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा डाउन है, नंबर 5 या 6 पर जनरली जो है इनको बैटिंग मिलती है, तो वो एक जो है परेशानी रह सकती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ गुजरात टाइटंस की तो पूरी स्क्वाड आपकी स्क्रीन के सामने है ही है। टीम न्यूज दोस्तों इनकी तरफ से कोई भी नहीं है, इंजरी रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं है, बस ऐसा है कि आपको बताया कि जोशुआ लिटिल तो खेल नहीं रहे, वो तो वापस जा चुके हैं, आयरलैंड की टीम को ज्वाइन कर लिया है ना, तो अलजारी जोसेफ उनको रिप्लेस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चेंज अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट है नहीं, आएगी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये रही दोस्तों गुजरात टाइटंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और अब हम बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है शुभमन गिल का। दोस्तों इनके पास एक डिसएडवांटेज है जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास नहीं है, और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई दोनों राइट हैंड बैटर हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम के पास रोहित शर्मा जो है राइट हैंड बैटर है ओपनिंग में, और ईशान किशन जो है लेफ्ट हैंड बैटर है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उनको मिल जाता है। अब यार दोनों राइट हैंड बैटर हैं तो इनको लेफ्ट आर्म एंगल से परेशानी हो सकती है, यानी कि जेसन बेरेंडोर्फ जो है इन दोनों को स्टार्टिंग में परेशान कर भी सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि यार शुभमन गिल तो जो है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जनरली अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो इनके अगेंस्ट तो हो सकता है उतनी अच्छी परेशानी फेस नहीं करनी पड़े शुभमन गिल को, पर वृद्धिमान साहा जो है थोड़े से परेशान हो सकते हैं बेरेंडोर्फ के अगेंस्ट, के बाद ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों गिल की और वृद्धिमान साहा की जो फॉर्म है वो आप देख सकते हो, गिल तो जो है कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए अच्छे पिक हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे पिक हैं। पिछले मैच में 94 नोट आउट की शानदार पारी खेल के आ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं वृद्धिमान साहा की, तो इन्होंने भी पिछले 2 मैच में तो अच्छी पारी खेली है, 41 नोट आउट और 81 की। उससे पहले दोस्तों रेगुलरली 3 मैच फ्लॉप गए थे, उससे पहले 47 आया था, उससे पहले फ्लॉप गया था, मतलब ऐसा है कि हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस वृद्धिमान साहा की आई है। ठीक है, विकेट कीपिंग से भी दोस्तों आपको पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए आपकी टीम के लिए एक सेफ पिक हो जाते हैं। अगर रिस्क लेना हो तो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि बेरेंडोर्फ इनका विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या की दोस्तों अगर मैं बात करूं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने वाला है, डेफिनेटली अपनी टीम में रखेंगे। विजय शंकर की अगर मैं बात करूं, ये हो जाते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए मिनी ग्रैंड लीग या फिर ग्रैंड लीग के अच्छे पिक। देखो ऐसा है कि पिछले 1-2 मैच से इनकी बैटिंग नहीं आ रही है ना, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ध्यान रखना अगर बैटिंग आ गई तो पावर हिटिंग ये बंदा कर सकता है, और अच्छी पावर हिटिंग कर सकता है, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस रहने वाला है, ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभिनव मनोहर की अगर मैं बात करूं तो पावर हिटर ये भी है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर भी ज्यादा डाउन रहता है, इसलिए अपनी टीम में नहीं रखेंगे। और डेविड मिलर का भी दोस्तों सेम सीन है, पावर हिटर ये भी है लेकिन इनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, कई बार दोस्तों डेविड मिलर को ऊपर प्रमोट भी कर दिया जाता है, जैसे कि पिछले मैच में किया गया था, 21 नॉट आउट की शानदार पारी इन्होंने खेली थी। डेविड मिलर के दोस्तों सिलेक्शन परसेंट आई थिंक 50% के समथिंग रहने वाले हैं, बाकी अगर आप अपनी टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, आई थिंक मैं एक बार के लिए नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टेवटिया की अगर मैं बात करूं तो भाई इनको तो ट्राई करने का सेंस ही नहीं है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा डाउन है, बॉलिंग करते ही नहीं है, इन्होंने जितने मैच खेले उनमें से ज्यादा बार तो इनकी बैटिंग ही नहीं आई। ठीक है, राशिद खान दोस्तों आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक सेफ पिक रहने वाले हैं, मुंबई के अगेंस्ट ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं और इस सीजन में भी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस आई है। नूर अहमद के बारे में दोस्तों सेम ही सीरीज बोलूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन ऐसा है कि यार नूर अहमद के सिलेक्शन परसेंट कम रहेंगे, इसलिए ये आपके स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग के भी अच्छे पिक हो जाते हैं। इस सीजन में दोस्तों नूर अहमद का सिर्फ 1 मैच विकेटलेस गया है, बाकी हर एक मैच में जो है नूर अहमद ने विकेट निकाले हैं और अच्छे पॉइंट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो भाई एक्सपीरियंस इनको काम आता है, 132 मैच इस बंदे ने खेले, ये इनका कुछ रिकॉर्ड है। और इस सीजन में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद शमी से भी कम रन ठुकवा रहे हैं, अराउंड 7 के समथिंग इकोनॉमी रेट है, और भाई राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के अकॉर्डिंग 7 की इकोनॉमी रेट काफी शानदार है। ठीक है, पिछले मैच में 4 विकेट निकाल लेते हैं, ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस को काम में लाते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सीजन में दोस्तों इनके विकेटलेस भी गए हैं मैच, ऐसा नहीं कह रहा कि विकेटलेस नहीं गए, विकेटलेस भी गए हैं, लेकिन ऐसा है कि इनमें एक्सपीरियंस है, विकेट निकालने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, मोहम्मद शमी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भाई इनको तो मतलब ऐसा है कि आप लोगों के लिए एक सेफ्टी के सेफ पिक हो जाते हैं, क्योंकि नई बॉल के साथ काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड देन दोस्तों अलजारी जोसेफ का नाम आ जाता है, जिन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर फेंका था, इस मैच में भी सर्टन नहीं है कि कितने ओवर फेंकेंगे। जोशुआ लिटिल को इन्होंने रिप्लेस किया, और ऐसा है कि यार अलजारी जोसेफ को जो है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जो है आड़े हाथ भी ले लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि अलजारी जोसेफ को ज्यादा ओवर इस मैच में मिलेंगे, है ना। बाकी अगर वो तो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता मिल भी जाए, अपनी स्मॉल लीग टीम में एक बार के लिए प्रीफर नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग की टीम में कर सकते हैं, क्योंकि यार इस सीजन की स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए थे, दो विकेट निकाल लेते। ठीक है, तो ये बात हो जाती है दोस्तों, देखो दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सब के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स के बारे में। ठीक है, और दोस्तों ये जो भी प्लेयर बैटल है ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपका पूरा फोकस एक बार के लिए मेरे को यहां पर चाहिए होगा, ये रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक रिकॉर्ड मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि यार आप में से जितने भी लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे पूरा देखते हैं ना, उनमें से ओनली ऑन
50% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो भाई यार बाकी के 50% लोग क्या कर रहे हो, है ना। आप लोग यार वीडियो तो देख रहे हो, मैं तो बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बस ऐसा है कि आपका फायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो चलो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के बाद आपको पता है कि इसी साल एशिया कप भी है, इसी साल वर्ल्ड कप भी है, ठीक है, और बहुत सारी सीरीज है जिनमें हम बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, आपके पास सारी अपडेट और सारी टीम टाइम टू टाइम आती रहेंगी, ठीक है। खैर बात करते हैं दोस्तों देखो प्लेयर बैटल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ईशान किशन जो है मोहम्मद शमी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि दोस्तों ईशान किशन ने अभी तक आज तक T20 में मोहम्मद शमी को अपना विकेट नहीं दिया है, लेकिन ऐसा है कि यार 45 बॉल में ओनली 42 रन बनाए हैं, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट है, तो ध्यान रखना विकेट दे भी सकते हैं, स्ट्रगल करते हैं मोहम्मद शमी के सामने, ठीक है। और इस सीजन में मोहम्मद शमी कुछ खास ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा के दो प्लेयर बैटल आ जाते हैं, राशिद खान और मोहम्मद शमी दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। राशिद खान को दोस्तों 29 बॉल में 43 रन इन्होंने जरूर बनाए हैं, जो कि काफी ठीक स्ट्राइक रेट आ जाती है, लेकिन यार ऐसा है कि 3 बार अपना विकेट भी दिया है, और मोहम्मद शमी को भी दोस्तों 2 बार विकेट दे चुके हैं। रोहित शर्मा उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए स्मॉली की टीम से मैं ड्रॉप करके चलूंगा, लेकिन ऐसा है कि ग्रेनली की टीम के लिए तो इंपॉर्टेंट पिक हो ही जाते हैं, क्योंकि यार रोहित शर्मा पावर हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कब तक ये शांत रखोगे हिटमैन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैमरन ग्रीन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि अल्जारी जोसेफ के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं कुछ ज्यादा ही, ओनली 7 बॉल में अपना 2 बार विकेट दे चुके हैं। फिर दोस्तों डेविड मिलर के दो प्लेयर बैटल हैं, एक जॉर्डन के अगेंस्ट, एक है चावला के अगेंस्ट। जॉर्डन को दोस्तों ये आड़े हाथ ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 53 बॉल में 92 रन बनाए, लेकिन ऐसा है कि जॉर्डन ने भी इनको आड़े हाथ लिया है, 3 बार विकेट ले चुके हैं क्रिस जॉर्डन इनका, ठीक है। और पीयूष चावला की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भाई इनके अगेंस्ट ये 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 38 बॉल में ओनली 34 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। एंड देन दोस्तों हार्दिक पांड्या के दो प्लेयर बैटल आ जाते हैं, ये भी सेम क्रिस जॉर्डन और पीयूष चावला के अगेंस्ट है, ठीक है। ये हार्दिक पांड्या दोस्तों इन दोनों को ही आड़े हाथ ले लेते हैं, क्रिस जॉर्डन को भी 54 बॉल में 106 रन बनाए, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट है, और पीयूष चावला को भाई 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से मारते हैं, लेकिन ऐसा है कि इन दोनों को मिला के 5 बार अपना विकेट हार्दिक पांड्या भी दे चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्लेयर बैटल्स थे जो कि आपको अपने दिमाग में रखने, चाहे आप अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाओ, चाहे आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, दोनों जगह ही आपको फायदा देने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार अभी तक इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मैच से रिलेटेड देख चुके हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक डेमो टीम में आपको इस मैच की आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, लेकिन यार वही बात है, ये जो भी टीम मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये रहेगी मेरे भाई एक डेमो टीम ही, इसको कॉपी करके छाप के अपने कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करके फाइनलाइज मत कर लेना, नहीं तो आप अपना नुकसान करवा सकते हो, ठीक है। इस टीम में दोस्तों चेंजेस होंगे, अपडेट होंगे, और जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो टॉस के बाद आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों अपना ये वीडियो तो 1-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना या फिर कॉमेंट बॉक्स खोल लेना, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना और लाखों लोगों के साथ आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। खैर बात करता हूं दोस्तों देखो डेमो टीम की, तो यार वो आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाली टीम भी मैंने बनाई है विजन 11 के ऊपर, क्योंकि तो आपको तो पता ही है मैं पिछले 2 साल से यहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं और यहीं पर मेरे को प्रॉफिट होता है। आपको भी सजेस्ट करूंगा डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों सेम टीम आप और किसी एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों डेमो टीम में मैंने ईशान किशन और वृद्धिमान शाह को रखा है। अगर दोस्तों रिस्क लेना हो, मैं वृद्धिमान शाह को फाइनल टीम से ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने शुभमन गिल उठाया, सूर्य कुमार यादव उठाया और एक बार के लिए डेविड मिलर उठाया, लेकिन आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबल मैं अपनी फाइनल टीम से डेविड मिलर को ड्रॉप करके तिलक वर्मा या फिर किसी और के साथ चला जाऊंगा, और अगर मेरे को ज्यादा ही रिस्क लेना होगा तो मैं रोहित शर्मा के साथ भी जा सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आपको सेफ खेलना हो तो फिर डेविड मिलर आप लोगों के लिए एक चॉइस रहने वाले हैं, और नेहल वधेरा का भी ऑप्शन है जिनको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों कैमरन ग्रीन को उठाया, हार्दिक पांड्या को उठाया, बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों राशिद खान उठाया, चावला उठाया, शमी उठाया, बैरन डॉर्फ उठाया। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपके पास विजय शंकर का ऑप्शन है, जो कि आपके लिए काफी अच्छे ग्रैंड लीग के पिक हो जाते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दोस्तों पोटेंशियल प्लेयर हैं जो कि इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी को भी आप अपनी टीम में रखना चाहो रख सकते हो। तिलक वर्मा, वधेरा, विजय शंकर, नूर अहमद भी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में अच्छे चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। बस दोस्तों मेरी तरफ से इस टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, कोई भी होंगे, तो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की, इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो चाहते थे यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। वीडियो पर लाइक टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था, 8000 लाइक्स का रखें, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों दोनों ऑलराउंडर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ये आप लोगों के सेफ चॉइसेस रहने वाले हैं सीवीसी के लिए, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक जाना प्रीफर करूंगा, क्योंकि बॉलर्स की तो सुताई होने वाली है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक